हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टर्म एंड एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन इग्नू बीए इकोनॉमिक्स कोर्स कोड ईईसी 13, जिसका टाइटल है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेथड एंड सर्वे टेक्निक। ये जून 21 में एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन है और ये रिपीट होने की काफ़ी ग्रेट पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट एग्जामिनेशन, यानी जो जनवरी या फरवरी में इसकी एग्जामिनेशन इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 21 में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। आज का ये वीडियो कंटेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिस्पर्सन, कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन, कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन। प्लीज म्यूट। कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन ये 20 मार्क्स में आया था। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन एंड व्हाट आर द कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है उसी पर हमारा आज का क्लास आधारित है। तो डिस्पर्सन जो वर्ड्स होता है इसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है डिस्पर्सन का, मतलब हिटेरोजीनिटी ऑफ डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट ये बताता है हिटेरो, ठीक है, जीनिटी ऑफ डेटा सेट या ऑब्जर्वेशन। ये कहने का मतलब बहुत ही साफ है, अगर होमोजीनस हो जाए डेटा सेट तो इसका मतलब एक समान। ये डिस्पर्सन जो वर्ड है हमको ये बताता है असमानता किसमें, ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जो डेटा सेट है उसका असमानता को ये बताता है। आप कह सकते हो इट इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। ठीक है, जो मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, जो आइटम हम कर रहे हैं, मान के चलो हम एक इंडिविजुअल ही ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 1-2 रोल नंबर 1 से लेके 5 तो बॉय है। ठीक है, अब वो नंबर ला रहा है 70 ला रहा है, 70 ला रहा है और सब 70 ला रहा है, तो यहाँ जो डेटा सेट हो गया होमोजीनस और इसमें डिस्पर्सन बोलोगे तो जीरो है, कुछ नहीं है, क्योंकि सबका मार्क्स सेम है। ठीक है, अगर यही चीज हम ये सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, सेक्शन बी में 70 आया, किसी को 90 आया, किसी को 50 आया, किसी को 20 आया, तो यहाँ पर डेटा सेट में क्या है, हिटेरोजीनिटी है, क्योंकि देखो यहाँ होमोजीनस नहीं है, ताकि सब ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं रोल नंबर 1 से लेके 5 तक सबका नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें जो सेट ए में आप देख रहे हैं सबका नंबर समान है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि सबका वैल्यू, सब आइटम का वैल्यू सेम है, यहाँ पर डिस्पर्सन ज़्यादा है। अब यही चीज़ है कि 10 के जगह अगर हम मिटा के यहाँ पर हम 20 और इसको मिटा दें और 50 को सब में हम 75 ले लें, यहाँ 90 की जगह 80 कर दें, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ 77 और 76, तो यहाँ पर जो डिस्पर्सन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इसके तब। तो इस प्रकार इसमें हम कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन में हम समझते हैं हिटेरोजेनिटी ऑफ डेटा सेट। आप ऐसा भी देख सकते हो डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन अलग अलग आता है, ठीक है, तो डेटा सेट बने दो डेटा सेट या दो से ज्यादा डेटा सेट डिफर कर सकता है एक दूसरे से, उसका दो आधार है। पहला आधार में हो सके एवरेज सबका बराबर हो, एवरेज मे बी सेम, ठीक है, एवरेज हम सेम लेंगे, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट इज ए डिफरेंट फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एवरेज सेम है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट अलग हो सकता है। दूसरी बात होगा, ये भी हो सकता है केसेस कि अगर में एवरेज डिफरेंट है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट अलग है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 डेटा सेट का, जो आपको कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्सन को काफ़ी क्लियर कर देगा। तो 3 डेटा सेट लेता हूं मैं, ठीक है, मैं 3 डेटा सेट ले रहा हूं, सेट ए, सेट बी, ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है, सेट सी। अब यहां पर देखो ऑब्जर्वेशन मैंने लिया हूं 2, 5, ठीक है, 17, 17,
44, ठीक है, उसके बाद 17, 17, 17, 17, 17, फिर 13, 14, 17, 17, 24. अब ये तीनों ऑब्जर्वेशन का आप आराम से निकालो, 34 होगा और ये 44 प्लस 7 51 तो 85 होगा, ये 17 पचे 85 और इसको भी आप ऐड करोगे, देखो 17 17 34, अब यहाँ पर देखो जो ठीक है 24, ठीक है 24 से ये 17 17 34 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 27 और 24 91, ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे, सब में अगर जोड़ोगे तो 85 आएगा सम ऑफ आइटम और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 17 आप देखोगे एज इट इज इसका क्या आ रहा है एवरेज वैल्यू सभी का, ठीक है सबका आ रहा है 17 इज द एवरेज वैल्यू, लेकिन यहां पर देखो सारा इस हिसाब से सारा ऑब्जर्वेशन तो समान होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, सारा ऑब्जर्वेशन समान नहीं है आप देख सकते हो, तो इसका क्या उपाय है भाई, तो सारा ऑब्जर्वेशन समान नहीं, देखो सबका आप निकालोगे, मैंने यहाँ तीन डेटा सेट लिया हूँ, थ्री ऑब्जर्वेशन लिया हूँ ए बी सी, सबको ऐड करते हैं तो 85 आ रहा है, 5 से डिवाइड करते हैं जो मीन निकाले हैं तो 17 सबका एवरेज वैल्यू आ रहा है, लेकिन सारा नहीं है, आप देखोगे इसमें डिस्पर्सन की मात्रा करने का होगे तो सारा आइटम एक दूसरे से बराबर, यहाँ डिस्पर्सन आपका जीरो होगा, जीरो होगा। अब सेट ए की बात करो तो सेट ए में जो एक डेटा, मतलब क्या होता है कि डिस्पर्सन का मतलब ही होता है, ये इंडिकेट करता है एक्सटेंड टू विच वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम अनदर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक सेट से यहाँ का डिफरेंसेस क्या 13 14 17 24 कहीं ना कहीं इस कैसे नहीं सब बराबर आइटम तो नहीं होगा जी, हम तो अभी बताएंगे, ठीक है तो सारा जब देखो डिस्पर्सन जीरो कब होता है, जब डिस्पर्सन का मतलब होता है डिफरेंट या वेरिएशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो सेट 17 से 17 का क्या वेरिएशन है, कुछ जीरो है, कहीं वेरिएशन कर रहा है, सब तो बराबर है यानी कोई वेरिएशन नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब सर होमोजीनियस आइटम नहीं होना, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर है कि आप निकाले 85 तो 17 आया, अब ये दोनों सेट जो इंटरेस्टिंग होगा सेट ए और बी दोनों में डिस्पर्सन है क्योंकि सारा जो आइटम है एक समान नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि किसमें डिस्पर्सन ज़्यादा है, तो डिस्पर्सन ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है और हाईएस्ट नंबर 44 है और यहाँ पर देखो 13 से सबसे मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर 24 है, तो इसमें डिस्पर्सन मोर डिस्पर्सन है एज कम्पेयर टू सेट सी, ठीक है सेट सी इसमें लेस है, मैंने सेट सी के कंपेयर में कम है क्योंकि यहाँ पर दो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो अंतर है 13 और 24 है और यहाँ पर 2 एंड 44 है, यानी यहाँ पर ज़्यादा डिस्पर्सन है। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सन, अब मोटा मोटी आप समझ गए, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को ये इंडिकेट करता है और इसके माध्यम से हम न्यूमरिकली ये देखो डिस्पर्सन को मेजर ऑफ डिस्पर्सन को डिजाइन किया गया है, ठीक है डिजाइन किया गया है स्टेट न्यूमरिकली द एक्सटेंट विच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वेरी इच अदर ऑन द एवरेज, आप इसको कह सकते हो ये बतलाता है एक्सटेंट टू विच अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, ठीक है एवरेज से कितना दूर है।